नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का रत्न पुखराज आप किन परिस्थितियों में धारण कर सकते हैं और किन परिस्थितियों में आपको इसे धारण नहीं करना चाहिए। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर वन फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। रत्न संबंधी जानकारी प्रदान करने से पहले यहाँ पर हम आपको तुला लग्न और देवगुरु बृहस्पति के बारे में कुछ साधारण सी बातें शेयर कर देते हैं। तुला लग्न के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। ये जो लग्न होता है ये वायु तत्व और चर लग्न होता है। इस लग्न में किए हुए कार्य हमेशा आपको परिणाम अच्छे प्रदान करते हैं या बुरे प्रदान करते हैं। इस लग्न में किया हुआ कार्य आपका कभी भी बंद नहीं होता है, उसका अंत नहीं होता है, चलता ही रहता है। यहाँ पर तुला लग्न के स्वामी होते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। उन्होंने देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति को क्या प्रदान किया इस अपनी कुंडली में, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक इंटरेस्टिंग चीज़ कहना चाहूँगा। वृषभ लग्न की जो शुक्रदेव की कुंडली होती है वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वृषभ लग्न में शुक्रदेव ने देवगुरु बृहस्पति को 11वें घर का स्वामित्व प्रदान किया था और अष्टम स्थान का स्वामित्व प्रदान किया था। वही चीज़ अगर आप धनु लग्न की कुंडली में देखेंगे जहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति जो है वो उस लग्न के स्वामी होते, उसमें शुक्रदेव को गुरुदेव बृहस्पति ने 11वें स्थान का स्वामित्व प्रदान किया और 6ठे घर का स्वामित्व प्रदान किया। तो यहाँ पर इनकी दोस्ती और दुश्मनी दोनों साथ हुई, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि वृषभ लग्न में एक घर तो देवगुरु बृहस्पति को त्रिक दे दिया और एक घर त्रिशूलाय दे दिया, और वही चीज़ रिपीट करते हुए देवगुरु बृहस्पति ने धनु लग्न में किया। एक घर तो त्रिक दे दिया और दूसरा घर इनको दे दिया त्रिशूलाय घर। तो यहाँ पर यह चीज आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अब तुला लग्न में जब हम एंट्री करते हैं तो तुला लग्न में शुक्रदेव ने दुश्मनी पूरी निभाई, इनको तीसरे घर का स्वामित्व प्रदान किया जो होता है मेहनत का, और 6ठे घर का स्वामित्व प्रदान किया। और यही दुश्मनी इनकी चलेगी मीन लग्न में भी। मीन लग्न में जब गुरुदेव बृहस्पति उस लग्न के या यूं समझ लीजिए कि लग्नेश बनेंगे, उस स्थिति में वो शुक्रदेव को तीसरे घर का स्वामित्व देंगे और अष्टम स्थान का स्वामित्व दे देंगे, तो यहाँ पर ये दुश्मनी इनकी और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि तुला लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जो है वो बहुत रेयर परिस्थिति में आप जो है अच्छे परिणाम प्राप्त करवा सकते हैं, रेयर परिस्थिति में आपके जीवन में जो है सुख समृद्धि लेकर आ सकते हैं। लेकिन गुरु तो गुरु होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखें। गुरु कोई भी जो स्टूडेंट है उनका वो खराब हो या कोई भी स्टूडेंट एकदम क्रीम हो, उन दोनों के साथ समान व्यवहार करने वाले होते हैं, दोनों को सेम चीज़ें सिखाते हैं। अब वो स्टूडेंट के ऊपर चीज़ें निर्भर है कि वो किस तरीके से किस चीज़ को लेता है। यहाँ पर तीसरा घर मेहनत का होता है, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति को शुक्रदेव ने अपनी तुला लग्न की कुंडली में स्वामित्व प्रदान किया। तीसरे और 6ठे घर का स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और तीसरा घर मेहनत आपके छोटे भाई बहनों का होता है, छोटी मोटी यात्राओं का होता है। जो भी जिस भी घर में अगर तीसरे स्थान का स्वामी बैठ जाता है तो वहाँ पर मेहनत करके ही आपको परिणाम प्राप्त होने वाला है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। 6ठे स्थान का स्वामित्व भी है तो 6ठा घर रोगृण शत्रु नौकरी आपके लिए सर्विस सेक्टर का होता है, और यहाँ पर 6ठा घर कंपटीशन एग्जाम्स का भी होता है, तो काफी अच्छी चीजें भी प्रदान आपको कर सकते हैं। यहाँ पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति जो है वो काफी अच्छे परिणाम भी आपको प्राप्त नहीं कर सकते और काफी बुरे परिणाम भी प्राप्त नहीं कर सकते। इनकी अलग अलग ग्रह स्थिति अलग अलग भावों में जाकर आपको अच्छे बुरे परिणाम प्राप्त कराएगी। यहाँ पर मैं देवगुरु बृहस्पति से रिलेटेड कुछ साधारण सी बातें आप सभी से शेयर कर देता हूँ। गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के जिस किसी भी घर में होते हैं वहां से 3 करोड़ को प्रभावित करता है, या अपने से पंचम सप्तम नवम स्थान को देखते हैं। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के फर्स्ट हाउस में जिस किसी भी कुंडली में हो उनके फर्स्ट हाउस में अगर बैठे हैं तो यहाँ पर इनको स्थान बल प्राप्त होता है, ये दिशा बली होते हैं, यहाँ पर बली होते हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो उच्च राशि होती है वो होती है चंद्रमा की कर्क राशि, और देवगुरु बृहस्पति की जो नीच राशि होती है वो होती है मकर राशि। शनिदेव की मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति जो है वो नीच राशिगत होते हैं। देवगुरु बृहस्पति अगर नैसर्गिक रूप में देखा जाए किसी भी जातक के जीवन में, तो आपके लिए गुरुदेव बृहस्पति जो है ज्ञान के कारक होंगे, शास्त्रों का ज्ञान, धर्म जो भी चीज़ें होती है, धार्मिक चीज़ें जितने भी होती हैं उनका प्रभाव जो है गुरुदेव बृहस्पति के पास होता है। देवगुरु बृहस्पति आपके संतान के कारक होते हैं, आपके विवाह के कारक होते हैं, आपके धन के कारक होते हैं, आपके सन्न के कारक होते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके पारिवारिक जीवन के कारक होते हैं, आपकी आय के कारक तत्व में आते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो भी वैवाहिक जीवन में या फिर जो भी गृहस्थ जीवन में आपको अच्छी चीज़ें प्राप्त होनी है
घर का अच्छा सुख प्राप्त होना है, आय स्टेबल होनी है, सारी चीजें गुरुदेव बृहस्पति के अंडर में आने वाली होती है। और देवगुरु बृहस्पति अच्छे हो तो अच्छे मान सम्मान की प्राप्तियां भी आपको करवाने वाले होते हैं, मान सम्मान के कारक भी होते हैं। धार्मिक चीजों में थोड़ा आपको इंक्लूड यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां रख सकती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पर अगर आगे बात की जाए तो देवगुरु बृहस्पति अगर अच्छे हो जाते तो आपको हर सुख समृद्धि धन के साथ साथ आपको ज्ञान की प्राप्ति भी कराते हैं। और यहाँ पर धन और ज्ञान का जब संबंध बन जाता है तो लक्ष्मी और सरस्वती का योग ये बनता है, बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त कराते हैं। लेकिन बहुत रेयर स्थितियां निर्मित होती है जब देवगुरु बृहस्पति धन और ज्ञान की प्राप्ति अभी आपको करवा देते हैं। यहाँ पर ये कुछ बातें मैंने देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव तुला लग्न के बारे में आपको बताई। यहाँ पर ये कुंडली आपके सामने ड्रॉ हो चुकी है, आप देख सकते हैं तुला लग्न की कुंडली और इसके स्वामी शुक्रदेव 7 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर तुला लग्न की कुंडली यहाँ पर बन चुकी है। और यहाँ पर कुंडली से आप सभी से एक चीज कहना चाहूंगा कि कोई भी रत्न अगर आप धारण करना चाहते हैं तो उसे बिना कुंडली विश्लेषण करवाए आप उसे धारण नहीं करें, क्योंकि कोई भी रत्न धारण करने से पहले उसकी ड्यूरेस कैपेबिलिटी अवस्था षडबल में स्थिति दृष्टि संबंध युति संबंध नक्षत्र प्रयोजन तात्कालिक मेति सारी चीजें देखना आवश्यक है। उसके पश्चात अगर आप कोई रत्न धारण करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम वहां पर प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करना चाहते हैं या फिर ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए फेवरेबल स्टोन कौन सा है, कब आपका व्यापार अच्छे से चलेगा, कौन सा व्यापार फलीभूत होगा, नौकरी कब मिलेगी, नौकरी में पदोन्नति कब मिलेगी, आपका प्रमोशन कब होगा, आपको वैवाहिक जीवन का सुख कब मिलेगा, आपके लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, आपको संतान प्राप्तियां कब होगी, कब मकान सुख मिलेगा, कब वाहन सुख मिलेगा, कब आपको कर्ज मुक्ति मिलेगी, कब आपके जीवन में जो है बीमारी से मुक्ति का योग आएगा। इस तरीके के अगर आपके जीवन बहुत सारे सवाल है, आप कंफ्यूज है तो कंफ्यूज मत हो, या नीचे स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आती है इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करेंगे तुला लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का रत्न पुखराज आप किन परिस्थिति में धारण कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, इस तुला लग्न की कुंडली में पीला पुखराज आप कभी भी धारण नहीं करेंगे। आपको अगर रत्न धारण करना ही करना है तो आप यहाँ पर सफेद पुखराज धारण करें, आपके लिए फायदे अच्छे से प्राप्त होंगे। सबसे पहले बात कर जाए जब लग्न में ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान है तो क्या आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं। एक चीज नोटिस में आपको ये लानी होगी कि तीसरे घर का स्वामी आपके लग्न में है तो यहाँ पर आप मेहनतशील होंगे, और छठे घर का स्वामी यहाँ पर है तो कुछ रोक देगा लेकिन नौकरी भी प्रदान करेगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर देवगुरु बृहस्पति की शुक्रदेव के साथ तात्कालिक मैत्री बन जाती है और अगर आप नौकरी चाहते हैं, नौकरी में अच्छा इंक्रीमेंट चाहते हैं, तो उस स्थिति में आप इनका पुखराज धारण कर सकते हैं, सफ़ेद पुखराज, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, नहीं तो आपका बंटाधार अगर आप पीला पुखराज धारण कर लेंगे तो हो ही जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है कि सफ़ेद पुखराज धारण करना है अगर लग्न में, अगर आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी में कई समस्या आ रही है, नौकरी से रिलेटेड समस्या है, रोग में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ प्राप्त हो रही है, रोग ठीक ही नहीं हो रहा है, उस स्थिति में देवगुरु बृहस्पति को मनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर दूसरा आप अगर उपाय करना चाहे तो व्रत कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं, यंत्र का उपयोग भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप पीला सफेद पुखराज ही धारण करें। सेकंड हाउस की बात की जाए तो यहां पर रत्न धारण नहीं किया जाना चाहिए। यहां पर रत्न धारण किया हुआ आपके जबरदस्त नुकसान भी आपको प्रदान कर सकता है। यहां पर धन संबंधी मामलों में समस्याएं क्रिएट होती हुई आपको नजर आएगी। बात करेंगे तृतीय स्थान में मेहनत के अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन धारण नहीं करें तो अच्छा ही रहेगा, मेहनत बढ़ा भी सकते हैं। यहां पर देवगुरु बृहस्पति का रत्न आपके लिए थोड़ी बुरी चीजें लेकर आ सकता है, तो रत्न धारण नहीं करना अच्छा रहेगा। बात करेंगे चौथे स्थान में क्या रत्न धारण किया जा सकता है। नीच राशि के होते हैं माता भूमि मकान वाहन के सुखों से जबरदस्त नुकसान देने वाले रहेंगे और जो मेहनत करेंगे उसका परिणाम प्राप्त नहीं होगा। ये समझ लीजिए कि आप किसी के लिए कुछ भी कर लेंगे लेकिन लोग आपके एहसान को कभी भी याद नहीं रखेंगे, आपके एहसान को आपके किए हुए कार्यों को लोग चुटकियों में बुलाने वाले होंगे। यहाँ पर आप इनका व्रत करें, दान करें, मंत्र जप करें, आपके लिए अच्छी चीजें रहेगी। बात करेंगे पंचम स्थान में, पंचम स्थान में देवगुरु बृहस्पति का रत्न कुछ स्थितियों में धारण करने से अच्छे फायदे भी मिल सकते हैं और कुछ स्थितियों में नहीं भी मिल सकते हैं। अब यहाँ पर इनकम से रिलेटेड समस्या है तो आप यहाँ पर रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि आपके संतान प्राप्ति में विलंब भी आपको दे सकती है। वहीं अगर बात की जाए छठे घर में, तो छठे घर में आप पीला पुखराज या सफेद पुखराज आप धारण कर सकते हैं क्या? हाँ, यहाँ पर सफेद पुखराज धारण किया जा सकता है। शुक्रदेव की अच्छी स्थिति देखने के बाद शुक्र अगर अच्छी स्थिति में है तो आप यहाँ पर सफेद पुखराज धारण करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी से रिलेटेड अच्छी चीजें प्राप्त होगी, नौकरी में आपको पदोन्नति और नौकरी में अच्छी हायर आपको जो है जॉब प्राप्त होने के योग मिलेंगे। रोग ऋण शत्रु से समस्याएं जो आ रही थी वो दूर होती नजर आएगी। सर्विस या कंसल्टेंसी का अगर कोई कार्य है तो उसमें भी अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेगी। क्लाइंट्स के साथ रिश्ते अच्छे सुधरते हुए नजर आएंगे। सप्तम
स्थान की बात करी जाए तो सप्तम स्थान में आपको इनका रत्न दान नहीं करना चाहिए। व्रत करें, दान करें, मंत्र जप करें अच्छा लगेगा, लेकिन मंगल के साथ तात्कालिक नेत्री बनती है उस स्थिति में आप इनका सफेद पुकरा धारण करें, फायदे अच्छे से प्राप्त होंगे। सफेद पुकरा मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ वो वीडियो के अंत में बताऊंगा। अगर देखा जाए यहाँ पर अष्टम स्थान में, तो अष्टम स्थान में आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर धारण करने का कोई तुक नहीं है। आप अगर यहाँ पर धारण करते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं समस्याएं यहाँ पर प्राप्त होती हुई नजर आएगी ही आएगी। धन संबंधी हो सकती है ये समस्या, हो सकता है आपको विदेश की यात्रा में खर्चे बढ़ाने वाली हो सकती है, और ये समस्या आपके माता भूमि मकान में भी हो सकती है, आपके वाहन सुख में समस्या, आपके माता के स्वास्थ्य की समस्याएं भी दे सकती है। तो यहाँ पर नहीं करें तो अच्छा ही रहने वाला है। बात करेंगे भाग्य स्थान में, मेहनत बढ़ा कर रखेंगे, व्रत करें, दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पर अगर आप नौकरी से रिलेटेड कोई समस्या प्राप्त करें, आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, आप मेहनत करके इंटरव्यू दे के थक चुके हैं लेकिन हो ही नहीं रहा है, वो चीज सेंशन हो ही पा नहीं रही है, उस स्थिति में आप इनका सफ़ेद पुखराज धारण कर सकते हैं। लेकिन इस स्थिति में ये नहीं कि सफ़ेद पुखराज ही आपके लिए एक विकल्प है, आप यहाँ पर व्रत करें, दान करें, मंत्र जप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करेंगे कर्म स्थान में, कर्म सेक्टर से रिलेटेड अच्छी चीज़ें आपको देने का काम करेंगे, जो काम आपको सही तरीके से करना चाहिए, जिस क्षेत्र में आपको काम करना चाहिए उस क्षेत्र में लेकर जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। लेकिन पुखराज आपको धारण करना है वो भी सफ़ेद, और यहाँ पर इनके दूसरे विकल्प में आप व्रत करें, दान करें, मंत्र जप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। जरूरी नहीं है और चंद्रमा के साथ तात्कालिक मैत्री बन जाती है तो उस स्थिति में सफ़ेद पुखराज जो है वो चंद्रमा की स्थितियों के आधार पर भी धारण किया जा सकता है, लेकिन इनकी तात्कालिक मैत्री शुक्र और भावेश के साथ भी होनी आवश्यक है। भावेश का मतलब जिस भाव में है उसमें। अगर 11वें स्थान की बात की जाए तो 11वें स्थान में यहां पर रत्न धारण किया जा सकता है। जो मेहनत आप अपने जीवन में कर रहे हैं, जिस किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकती है, उन चीजों से रिलेटेड आपको फायदे अच्छे से प्राप्त होते नजर आएंगे। नौकरी से आय अच्छे से प्राप्त होगी, जो भी सर्विस आप देते हैं, कंसल्टेंसी वगैरह होगी, कुछ भी हो गया सर्विस सेक्टर से, वहां पर भी आपको यहां पर 11वें स्थान में सफेद पुखराज धारण किया हुआ फायदे अच्छे से प्राप्त कराएगा। यहां पर धारण किया हुआ रत्न शुक्र और गुरुदेव बृहस्पति दोनों का स्टोन का फायदा आपको देगा और यहां पर अच्छे परिणाम आपको मिलते नजर आएंगे। 12वें स्थान में रत्न धारण किया जा सकता है, मेहनत आप अच्छे से कर रहे हैं, फायदे से प्राप्त नहीं हो रहे, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश सेटलमेंट करना चाहते हैं, विदेश में नौकरी अच्छे से प्राप्त करना चाहते हैं, आप हायर जॉब जो है विदेश में प्राप्त करना चाहते हैं, उस स्थिति में आप यहाँ पर रत्न धारण करिए सफेद पुखराज, फिर देखिए आपका व्यारे न्यारे जो है वो देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ करती है। लेकिन बुध और लग्न शुक्र की स्थितियाँ देखनी आवश्यक है, ऐसा नहीं है कि आप इनका रत्न ऐसे धारण कर लेंगे फायदे हो जाएंगे, नहीं होंगे, क्योंकि शुक्र के साथ जब तक इनका तात्कालिक मैत्री संबंध बनेगा नहीं तब तक आपको फायदे तो प्राप्त करवाने वाले नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ओवरऑल यहाँ पर मैंने आपको बताया कि तुला लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का रत्न पुखराज आप किन परिस्थिति में धारण कर सकते हैं, लेकिन तुला लग्न में अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं गुरुदेव बृहस्पति का तो आपको सफेद पुखराज धारण करना है, क्योंकि गुरु शुक्र दोनों का प्रभाव आपको प्राप्त होगा, उस स्थिति में काफी अच्छे परिणाम मिलेंगे, ये चीज आप नोट करके रखिएगा। और यहां पर एक चीज का विशेष आपसे निवेदन रहेगा कि हर भाव में आप इनका रत्न धारण नहीं करें, क्योंकि मेहनत बढ़ा सकते हैं, रोग दे सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी। आप व्रत करें, दान करें, मंत्र जप करें, यंत्र का उपयोग करें, आपके लिए चीजें अच्छी होती हुई आपको। तो ओवरऑल आज की वीडियो मैंने आपको बताया कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की तुला लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का रत्न पुखराज आप किन परिस्थिति में धारण कर सकते हैं और किन परिस्थिति में आपको इसे धारण नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री नाथजी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।